अब मुफस्सिरीन उलमाए किराम फरमाते हैं वस्तफ़िज़ मन इस्तता'त मिन्हुम बिसौतिक, सौतिक से क्या मुराद है, अपनी आवाज के जरिए से तो इनको गुमराह कर दे, इन पर गलबा हासिल कर ले, जो आप कहें। सौत से मुराद मुफस्सिरीन उलमाए किराम फरमाते हैं हर बुराई का नारा है, बुराई का हर नारा बिसौतिका में शामिल है, जो भी नारा हो बुराई का गोया के वो शैतान का नारा है। बुराई के जितने नारे हैं, बुराई के जितने नजरियात हैं, बुराई की जितनी आवाजें हैं, वो सब की सब शैतानी आवाजें, और फिर उनकी बुनियाद उलमा फरमाते हैं लहव और लाइब और गाना और बजाना है। इंसान की सबसे पहली गुमराही का आगाज कैसे होता है कि इंसान को ऐसे नारे सुनाई देते हैं, ऐसे नजरियात सुनाई देते हैं, ऐसे लोगों की या जिसकी तरफ से भी हो उसकी कानों में ऐसी बातें डाली जाती हैं जो उसे उसके रब से दूर कर देती हैं, चाहे वो नारे हों, चाहे वो लहव व लाइब की महफिलें हों, चाहे वो गाने और बजाने के आलात, मौसीकी के आलात हों। आज हम मुसलमान ही हैं ना माशाल्लाह, हम कहते हैं भाई मौसीकी रूह की गजा है, नाउज़ बिल्ला। मुसलमान है कौन है, एक तो चलो गुनाह है, हम ये कहें अल्लाह मगफिरत फरमाए, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, हमसे गलती हो जाती है, हम गाना और बजाना सुन लेते हैं, गलती को गलती तो माने, और गलती मानना तो दूर की बात है। वो कहते हैं बस गाने और बजाने वाले ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि जब तक मैं रियाज न कर लूं, गाना और बजाना न कर लूं, मेरा खाना ही हजम नहीं होता। चलो जी वस्तफ़िज़ मन इस्तता'त मिन्हुम बिसौतिका, शैतान ने अपनी आवाज में इतना जकड़ लिया है कि अब इंसान इतना परेशान कि उसकी आवाज से छूटने का उसको कोई जरिया ही नहीं लगता। अब यहां से रूह उसे परेशान करती है, कान गाने के आदि, बजाने के आदि, कान गलत नजरियात के आदि, कान सिनेमा जाने के आदि, फिल्मों के आदि, और रूह कहती है तूने ये काम नहीं करना। रूह ये कहती है भाई ये अल्लाह की नाफरमानी है, तो वो झगड़ा ही खत्म करने के लिए कहता है जी मौली साहब मौसीकी तो हराम है ही नहीं, चलो जी जान चो, गाना और बजाना तो हराम ही नहीं है, ना हराम होगा ना रूह परेशान होगी ना वो हमें रोकेगी। तो शैतान के इतने काबू में आ गए ये लोग, हम लोग हैं, कौन से लोग हैं हम लोग, शैतान के इतने काबू में आ गए, उसके नारों के ऐसे काबू में आ गए और उसके नजरियात के ऐसे काबू में आ गए कि हम लोग उसकी आवाज के इतने आशिक हो गए। ये सारे गाने की आवाज शैतानी आवाज है, लहव लहिब की हर महफिल शैतानी आवाज है। अल्लाह ने फरमाया अगर तू मेरे बंदों को गुमराह कर सकता है तो बेशक अपनी आवाज के जरिए से, लहव लहिब के जरिए से, गाने और बजानों के जरिए से, जिस पर तेरा जोर चलता है उसे फिसला ले, उसे रास्ते से हटा ले, उस पर गालिब हो जा।